हाँ तो गाइज, आप भी चाहते हैं कि आप भी YouTube पर आके ढेर सारा नाम पैसा वैसा कमा ले, तो गाइज आपको इसके लिए चैनल बना करके आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। बट समझ में नहीं आ रहा है कि चैनल का नाम क्या रखें जो कि यूनिक हो, जो कि पहले किसी ने ना रखा हो। तो मैं आप लोग को इसमें यानी कि इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ दो टिप्स, जो कि बहुत ही खतरनाक टिप है, आप लोग को जानना जरूरी है, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं कुछ नया। इससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलता रहे। हाँ तो गाइज, पहला बात कि आपको क्या रखना है आपके चैनल का नाम, तो मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ आपको पता है, ठीक है। और मैं तो क्या, आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपको नाम क्या रखना चाहिए, वो सिर्फ आपको ही सोचना पड़ता है कि आपको नाम क्या रखना चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि चैनल आपके नाम से बने, जैसे नाम है आपका सोनू, सपोज करो आपका नाम है सोनू, तो आप सर्च करते हो यूट्यूब पे तो सोनू, ठीक है, सोनू सर्च कर दिए, आपको वहाँ पे ढेर सारा वीडियोज़ मिल जाएंगे, चैनल्स मिल जाएंगे जो कि पहले से यहाँ पे किसी ने ले रखा है, तो वो आपको नाम नहीं रखना है। ऐसे रखेंगे गाइज, अगर आप किसी का दूसरा का नाम अगर कॉपी करके रखते हो यूट्यूब पे, तो आपको यूट्यूब की तरफ जो भी आता है अवार्ड, वो आपको अवार्ड्स नहीं मिलेंगे और वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन बैच भी नहीं मिलने वाला। तो आपको यहाँ पे सेम नाम नहीं रखना है, आपको यूनिक नाम रखना ही पड़ेगा अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो। लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि आपके नाम से ही चैनल बने, तो आप क्या कर सकते हो गाइज, आप अपने नाम का कीवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो तो आपका नाम है सोनू, आपने सर्च किया सोनू तो आपको यहाँ पर सोनू मिल गया, तो क्या करना है आपको इसमें, आपको यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर देना है, जैसे कि सोनू की टेक, सोनू ब्लॉग, टेक्निकल सोनू, सोनू टेक्निकल, इस तरह से आप रख सकते हो, यानी कि जो यूनिक हो, आपको फिर भी उसको सर्च करना है। लेकिन आप यहाँ पे गलती करते हो गाइज, आपको सर्च भी करने नहीं आता है, सॉरी बट ये सच है कि आपको सर्च करने नहीं आता है, सर्च करने का भी तरीका होता है गाइज जो आपको पता नहीं होता है। तो मैं हूँ ना यार, मैं बताऊँगा, आपका भाई बताएगा यार। चलो आज कुछ नया सीखते हैं, चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सपोज कर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेकअप मोशन, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कोई भी ब्रेकअप मोशन का चैनल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जबकि चैनल है, चैनल तो पक्का है, कन्फर्म चैनल है ये, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है गाइज कि ये चैनल बहुत ही पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये चैनल किसी ने लिया हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ये है गाइज, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे लिखा होगा ऑल, आपको सिंपल इस पर ऑल टाइप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चैनल पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइज ब्रेकअप मोशन फर्स्ट पेज पे आ चुका है, जिसका वीडियो मतलब दो ही है, और यहाँ पे चैनल मतलब शो हो रहा है। तो आपको ऐसे ही सर्च करना है, यानी कि चेक करना है, ताकि आपको समझ में आए कि ये नाम का चैनल किसी ने पहले लिया हुआ है या फिर नहीं लिया हुआ है, यही है असली तरीका चेक करने का। कभी कभी क्या होता है गाइज, उसके चैनल पर वीडियोज़ कम होते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं गाइज दो ही वीडियो है, तो ये सर्च में नहीं आ रहा है। सर्च में लाने के लिए कम से कम तीन चार वीडियो तो होना ही चाहिए, तभी यहाँ पर सर्च में आता है अच्छा खासा। अगर छोटा मोटा चैनल है तो ऐसे ही सर्च करके उसको चेक कर सकते हैं। हाँ तो गाइज, ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।